हेलो गाइस एंड आज आई मीन अभी मैं हूँ बैटमैन के वर्ल्ड में जो कि है गॉथम सिटी एंड मैं यहाँ पर आया था कुछ 2 महीने पहले देखो इतना भी गुस्सा मत करो मुझ पर एंड टेंशन मत लो बिल्कुल भी क्योंकि टाइम ट्रेवलर प्रोगो आ चुका है वापस यस एंड आज हम लोग जाने वाले हैं कैप्टन अमेरिका के वर्ल्ड में एंड वहां पर जाके तुम लोगों को पता है क्या करना है उसके कीमती सूट को ढूंढ के चुराना है ऑब्वियसली तो सच में बहुत मजा आने वाला है तो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दो क्योंकि आज भी है 1,00,000 लाइक का गोल पिछली बार तुम लोगों ने कर दिया था इसलिए थैंक यू सो मच इस बार भी कर दो सो गाइस आर यू रेडी फॉर द एडवेंचर नहीं मत बोलना तो फिर अभी हम लोग को बस सोचना है कि मुझे कहाँ पे जाना है एंड फिर ये लीवर को दबाना है एंड फिर ये टाइम मशीन मुझे उस वर्ल्ड के अंदर लेके चले जाएगी इसका मतलब है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ लिटरली कहीं भी मैं सोचूंगा कि मेरे को बाथरूम जाना है तो मेरे को बाथरूम भी लेके जाएगा ओके प्रो इस बेटा मस्ती नहीं एंड लेट्स गो ओके आ गया मैं कैप्टन अमेरिका के वर्ल्ड में तो यहाँ पर रहता है स्टीव रॉजर्स मतलब कि कैप्टन अमेरिका एंड आई गेस अभी मैं कोई ब्रिज के ऊपर हूँ एंड ये देखो ये मेरी टाइम मशीन फिर से बदल गई हमेशा की तरह एंड इस पर डायमंड किसने चिपकाए हुए इतना अमीर कब से बन गया मैं देखो ये डायमंड लाओ मजाक करो कुछ भी मस्ती नहीं करना है टाइम मशीन को वरना क्या पता मैं अपने नॉर्मल वर्ल्ड में कभी ना जा पाऊँ तो चलो अभी इस ब्रिज से नीचे उतरते एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड भाई क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और ये क्या लिखा है सिटी बैंक ओ भाई बैंक बताओ रोकड़ा कहाँ पे छुपा है मेरे को चाहिए इस बैंक में कुछ भी नहीं है फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या ओके अभी टाइम पास नहीं करना है हम लोग को ढूंढना है कैप्टन अमेरिका का सूट बट अब इतने बड़े वर्ल्ड में कहाँ पे ढूंढते बैठूंगा कुछ तो सोच प्रो बॉयज सोच जल्दी वो समझ में नहीं आ रहा ओ वेट यहाँ पे भाई ब्रिज के नीचे ही क्या है रेस्टोरेंट है क्या वेटर खाना लाओ यार कहाँ पे होगा वेट क्या मेरे टाइम मशीन के आसपास कुछ तो नहीं है लग तो नहीं रहा है और आसपास ही कहीं ढूंढते क्या पता कुछ क्लू मिल जाए ओए वो क्या है मंदिर वेट चप्पल तो नहीं पहने ना ओके ओ वेट सेकंड ये देखो यहाँ पर बटन छुपाया है या फिर डेकोरेशन के लिए लगा है वेट इस साइड तो नहीं है इसका मतलब कुछ तो है दबा के देखते हैं कुछ तो आवाज आया इस मंदिर में से कुछ तो आवाज आया ओ नो डर लग रहा है ओ व्हाट यहाँ पर एक चेस्ट आ गया लेट्स सी क्या है अंदर एक बुक चोर ले लेते हैं एंड इस बुक का नाम है क्लू ओके सो हमको हमारा पहला क्लू मिल चुका है चलो इसको खोल के देखते हैं एंड कैप्टन अमेरिका शील्ड इज मेड ऑफ वाइब्रेनियम मेटल हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है क्लू कहाँ पे वो बताओ वेट क्या यही क्लू है क्या कैप्टन अमेरिका का शील्ड बना है वाइब्रेनियम मेटल से ये कैसा क्लू है वाइब्रेनियम मेटल ओके सो वाइब्रेनियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है तो क्या मुझे वाइब्रेनियम को ढूंढना है यहाँ पे या फिर तो कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जो कि बहुत स्ट्रांग हो एंड एकदम हार्ड मटेरियल से बनी हो वेट पहले तो मैं नीचे उतरता हूँ ग्लास नहीं ग्लास तो सबसे नाजुक चीज है पेड़ बट पेड़ भी स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं हो सकता ना ये ब्लॉक्स या फिर स्टोन कुछ समझ में नहीं आ रहा वे गोल्ड हार्डेस्ट होता है ना वेट नहीं नेदरराइट सबसे हार्डेस्ट ब्लॉक है बट ये जिस वर्ल्ड में मैं आया हूँ इस वर्ल्ड में नेदरराइट नहीं मिलेगा हम लोग को ये क्या फुल डायमंड से बना हुआ घर व्हाट अरे हाँ वेट डायमंड सबसे हार्डेस्ट चीज होती है आई गेस हाँ शायद इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करते क्या पता कुछ मिल जाए फिर ये क्या है डेल मोमिको कौन सी भाषा ये इधर भी डेल मोमिको यहाँ पे भी यहाँ पे वाइब्रेनियम ओके देखा सो इसके अंदर मुझे जाना है एंड शायद इसके अंदर वो सूट होगा होपफुली बट यहाँ पर 2 दरवाजे क्या है दरवाजे के अंदर हेलो ये दरवाजे रखे क्यों है जब अंदर कुछ है ही नहीं तोड़ दो इस दरवाजे को यहाँ पे भी सेम चीज है ओके यहाँ पर एक बटन दिख रहा है ओ यार इन लोगों ने कितना खुफिया तरीके से छुपाया हुआ है इस चीज को सो चलो इसको दबाते हैं एंड व्हाट भाई क्या हो क्या रहा है सो ये देखो ये साइन बोर्ड नीचे पॉइंट कर रहा है यानी कि हम लोग को यहाँ पर कुछ तो लगाना है ताकि ये रेडस्टोन एक्टिवेट हो जाए बट ऐसी क्या चीज है जो मैं लगा के इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ टॉर्च एक मिनट ये टॉर्च मेरे काम आ सकती है ना इसको लगा दू तो ओ शिट मिल गया कैप्टन अमेरिका का सूट इतना अंदर छुपा के रखा था फाइनली मिल गया ये अब ही आएगा असली मजा तो चलो पहन के देखते हैं इसको 3, 2 and 1 पहनते कैसे आजा ओ पहन लिया ओ एंड देखो जंप कितने ऊपर मार रही है भाई खतरनाक ये देखो कैप्टन अमेरिका और वेट मेरे चश्मे गायब हो गए ना चलो अच्छा है बट अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसके अंदर से बाहर कैसे निकलूंगा ओ वेट ये डबल जंप मार रहा है ओ
है ना, यहाँ पर एक बटन भी दिया है, तो क्या मुझे इसको दबाना है? क्या पता, दबा के देखते हैं। ओके, मैं टेलीपोर्ट हो गया। एंड भाई ये कहाँ पे टेलीपोर्ट किया है मुझे? एंड वेट, मेरी शील्ड, शील्ड कहाँ पे है? वेलो ऐसे चीटिंग मत करो, शील्ड तो दो। वेट, यहाँ पे कुछ लिखा है। ओह ओह, समझा समझा। तो मुझे अभी दबाना है एक्स, एंड आ गई हमारी शील्ड। भाई माइनक्राफ्ट में सर्कल, अरे अपना मुंह क्यों छुपा रहा है इसके अंदर, इतनी शर्माने की जरूरत नहीं है। सच में बहुत मस्त है ये। एंड अभी टाइम है इसके सुपर पावर्स को ट्राई करने की। क्या मैं उड़ सकता हूँ? हाँ। अरे क्या स्पीड है, अब क्या मैं उड़ सकता हूँ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं उड़ सकता। कैप्टन अमेरिका नहीं उड़ता, वो अपने शील्ड से फोड़ता है सबको। फिर अगर मैं अपना शील्ड ऐसे रख के जंप मारूं तो शायद मुझे डैमेज नहीं होना चाहिए ना। लेट्स ट्राई। ओके प्लीज बचा लेना। वो जीरो डैमेज, ये है कैप्टन अमेरिका की पावर। एंड ये देखो फ्लैश जैसी स्पीड है इसके पास, और क्या चाहिए जिंदगी में। भाई कितना छोटा दिख रहा हूँ मैं। तो चलो अभी शील्ड को भी ट्राई करते हैं। वो भाई तोड़ दिया, सॉरी जिसका भी था ये, बट क्या कूल था ये। भाई मजा आ गया मुझे। एनिमीज कहाँ पे, जम के मारने में कोई इससे, तो और मैं क्या कर सकता हूँ। ओ ये देखो, अब लग रहा है ना असली कैप्टन अमेरिका। वैसे तो चूरा खिलाया सूट। तो चलो और क्या क्या कर सकता हूँ मैं। कैप्टन अमेरिका चार्ज, इतना एकदम सही मूव। एंड इसका एक खतरनाक मूव भी है जिससे कि वो एक बार में किसी भी एनिमी को मार सकते हैं। तो बस अभी एनिमीज दिख जाए तो चुन चुन के काटूंगा सबको। ओ दिख गया मेरा प्यारा एनिमी। और बता दोस्त क्या चल रहा है जिंदगी में। चल चलो इसके ऊपर ट्राई करते हैं। यू आर माई टेस्ट सब्जेक्ट, गो। बेड़े कितने दूर तक जा सकते हैं। और देखो तो ये एक बार में किसी को भी मार के आ रहा है। वैसे तो ये एनिमल से इन लोग की लाइफ थोड़ी कम होती है, बट अब भी मुझे जॉम्बी की आवाज आई। जॉम्बी बेटा कहाँ पे छुप के बैठा, आया फटाफट। तुम लोग को मारने के लिए तो कब से रुका हुआ मैं, बस एक बार रात हो जाए। फिर देखना इतनी गंदी तरह मारने वाला हो ना। ओह नो, खाना। ओह शिट, मुझे तेरा खाना चाहिए, ला। अरे खाना ही नहीं दिया, ये क्या गजब बेइज्जती है। जरा कैप्टन अमेरिका, एनिमल्स इसको खाना भी नहीं देते। तो चलो अभी होने वाली है रात, एंड अभी असली फाइटिंग शुरू होगी। ओ कोई तो दिख रहा है मुझे वहाँ पे, कौन नो मेरे पास ही आ रहा है। शील्ड, शील्ड कहाँ पे? ओके ये रही। एंड बेटा मर, ये ले, मजा आया बेटा। और ये शील्ड कहाँ पे गायब हो गई? हेलो शील्ड, वापस आना भूल गया लगता है तू। ओके और कोई है जिसमें दम है कैप्टन अमेरिका से फाइट करने में? यस, वहाँ पर एनिमीज, मरो। ओके ये कूल था। फिर और क्या कर सकता हूँ मैं, ग्लिच हो रहा है। अरे यार ऐसे मत करो। तो चलो अभी मारते अपर कट। अरे मार। ओके चलो चार्ज अटैक। ये देखो ये भी अंबानी बन गया है। अरे शील्ड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, काहे का कैप्टन अमेरिका। और ये क्या, एक पेपर दिया है मुझे। हट, मुझे नहीं पढ़ना, स्कूल में बहुत पढ़ लिया मैंने। सो अभी मैं तुम लोग को इसकी एकदम बेस्ट पावर दिखाता हूँ जिससे कि बंदा एक ही बार मर जाता है। एंड ये देखना कितनी तेजी से शील्ड फेंकेगा। मिस हो गया यार, ये क्या पचका हुआ है गंदा वाला। यार अभी वापस अटैक नहीं कर सकता वो वाला, जब तक के लिए हम लोग इस अटैक से मारेंगे। और प्लीज शील्ड तू ग्लिच करना बंद करेगा। तो चलो अभी हम लोग इसको अपनी कॉम्बैट स्किल दिखाते हैं। मरो, कराटे चैंपियन हूँ समझा ना। पर देखो भले इसके मूव्स इतने खास नहीं है, पर ये सच में बहुत स्ट्रांग है, इसको लिटरली कोई मार ही नहीं सकता है। ये देखो चाहे जितना भी डैमेज खा लो हेल्थ नीचे ही नहीं जाएगी। क्या लल्लू लोग है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखा इसे, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कैप्टन अमेरिका। और ये क्या ज्यादा फुदक रहा है, हट। अरे अब वो बात अलग है कि इसका शील्ड बार बार ग्लिच मार जाता है। तो चलो अभी वापस से सुबह होने वाली है, तो इसमें बहुत मजा आ रहा है कैप्टन अमेरिका बनके, एंड इस शील्ड से सबको फोड़ के। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सूट को मुझे वापस रख देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी आ सकता है यहाँ पे। एंड स्टीव का बहुत कीमती सूट है। यहाँ एक चीज नोटिस किया, स्टीव रॉजर्स का नाम भी स्टीव है और ये माइनक्राफ्ट कैरेक्टर का नाम भी स्टीव है, दोनों भाई भाई है। इसे प्लीज ये सूट मत लेना मुझसे। तो चलो कहाँ से लाया था मैं ये, फिर एक काम करता हूँ अभी से उतार के रख देता हूँ। एंड यार अब कहाँ पे ढूंढू वो जगह। और वेट अ सेकंड, व्हाट द हेक, थॉर का हैमर, व्हाट ये कहाँ से आया यहाँ पे। नो वे, वेट क्या मैं इसको उठा सकता हूँ। व्हाट, यू आर नॉट वर्दी। हाँ इसको कोई भी एरा गैरा नहीं उठा सकता, इसके लिए हम लोग को वर्दी होना पड़ेगा। बट वेट, अगर इसको मैं नहीं उठा सकता, लेकिन कैप्टन अमेरिका तो वर्दी है ना उठाने के। सो अगर मैं कैप्टन अमेरिका बन जाऊँ तो फिर आई गेस मैं उसको उठा सकता हूँ। लेट्स ट्राई इट आउट। ओके बन गया मैं कैप्टन अमेरिका, एंड आई गेस अब मैं वर्दी हूँ उसको उठाने के लिए। ओ नो वे, उठा लिया मैंने थॉर का हैमर। ओ वो इडी कौन है। तो चलो ये हैमर इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं। एक ही बार में, भाई ये हैमर बहुत खतरनाक है। लेकिन अभी मैं इसकी सुपर पावर्स यूज नहीं कर सकता हूँ, एंड इसकी सुपर पावर्स को यूज करने के लिए मुझे बनना होगा थॉर।